नमस्कार, मैं हूँ भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज की कुछ मुख्य समाचार। टहरी को जिला बनाओ की मांग को लेकर दूसरे अनशन जारी रहा है। झांसी जनपद की टहरोली तहसील को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अभी तक अखबार और चैनल के वक्तव्य देकर मांग की जा रही थी, अब टहरोली वासियों ने अनशन शुरू कर दिया है। इस मांग को लेकर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष हरीश सोनी, बाबू सिंह यादव, बादाम सिंह, शिवनारायण महाराज, पुष्पेंद्र छारिया, सुरेंद्र यादव, अज्जू मुखिया, स्वामी प्रसाद राजपूत, डॉक्टर नरेंद्र सोनी, दिनेश सोनी नोटा, राजकुमार पटेल लोहरगांव, साहब सिंह परसाई, मोहन आसार, एजाज घोष, कृपा शंकर पाठक, राजू पटेल, बबलू पटेल, सुनील शर्मा आदि अनशन में शामिल रहे। ओम प्रकाश उदनिया, बुंदेलखंड, ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान न्यूज 24। प्रधान जी, आप अनशन पर बैठे हैं तो किस कारण बैठे हैं? टहरोली को जिला बनाने के लिए। इसका मुख्य कारण ये है कि टहरोली गरोठा मऊरानीपुर तहसीलों के मध्य में है। टहरोली मध्य में पूरे क्षेत्र का हृदय है ये। इसके बाद जो विशेषता इसमें है कि अन्य तहसीलों में कहीं जमीन नहीं मिल सकती मुफ्त में, पर टहरोली तहसील में 4-5 किलोमीटर के अंतर्गत करीबन 25 ग्राम पंचायत आते हैं जिसमें कम से कम 1000 हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है हमारी, जो हम पूरी जिला के लिए रखे हुए हैं, जो जिला में दी जाएगी। इस प्रकार मुफ्त में सरकार को जहाँ जमीन मिलेगी वहाँ विकास ज़्यादा होगा, तो जहाँ लोग खरीदेंगे वहाँ विकास कम होगा। ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम है ना तीनों तरफ से नदी का बॉर्डर बनाएगा हमारा जिला, और चौथी तरफ उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाएगा। MP की इसमें सीमा नहीं लगेगी हमारे यहाँ, जबकि अन्य लोगों में जैसे मऊ वाले कहते हैं हमारा जिला बनना चाहिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि आपके यहाँ अपराध कितने होते हैं हर रोज, ये भी तो चेक करो, और आपके पास जमीन है कि नहीं। यहाँ पूरे विकास कर लिया, आपका विकास स्वतंत्रता के बाद पूरा हो गया, आप कहाँ कराएंगे? आप बिल्कुल सही बात है, किसानों को लुटवाएंगे, किसानों की जमीन का अतिक्रमण कराएंगे क्या? इन सबको देखते हुए हम टहरोली के मध्य में हमारे पास खनिज की पूरी व्यवस्था है, हमारे आय के स्रोत पूरे हैं, और मेन पॉइंट तो यही है सबसे पहले कि आवागमन का हमारा एक साधन है, जो मऊरानीपुर गरोठा तहसील से आने वाले हर गांव को कम से कम, मऊ से आने वाले को 35 किलोमीटर, टहरोली से आने गरोठा से आने वाले को 25 किलोमीटर में हमारे टहरोली में आ सकता है, और चारों तरफ साधन है हमारा। जी बात, मेन बिंदु माना गया है, इसलिए मेन बिंदु, इसलिए आप है ना टहरोली को जिला बनाने के लिए हम 2010 से बराबर लगे हुए हैं। इसके लिए हमने कई बखत अनशन धरना, इसके बाद धरना प्रदर्शन ज्ञापन हर तहसील में, ये कोई कहे कि नहीं, मैंने गरोठा में SDM को ज्ञापन दिया टहरोली को जिला बनाने का, मऊ में देखे आया मैं, इस प्रकार हमने सब जगह सभाएं की, सब जगह हमें समर्थन मिला। अब कुछ लोग अपनी पेपरबाजी और वो नेतागिरी चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मऊ को, यहाँ तो मऊ उस योग है नहीं जो हम है, हमारी टहरोली जिस योग है वो वास्तव में बनना चाहिए तो टहरोली को बनना चाहिए, वरना कहीं नहीं बना। और यदि टहरोली जिला नहीं बना तो यह तय है कि यदि दूसरा जिला बनाने की कोशिश की सरकार ने तो हम आत्मदाह कर लेंगे कई लोगों के साथ, हमारा ये प्रण है। महाराज जी आप बताइए, टहरोली को जिला बनाने के लिए सब में मुख्य धारा तो ये है कि टहरोली मध्य में पड़ता है, जैसे गरोठा मऊरानीपुर तीन तहसीलों के बीच में अगर टहरोली को जिला बनाया जाएगा तो मध्य में पड़ता है। जैसे कि जहाँ मऊरानीपुर से जो आने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए 45 किलोमीटर पड़ेगा टहरोली, और गरोठा से जो लोग गरोठा तहसील से जो आने वाले हैं उनके लिए अधिकतम पूरी तहसील का बॉर्डर 35 से 40 किलोमीटर पड़ेगा पूरी तहसील वासियों का। और अगर मऊरानीपुर वाले जैसे मांग रखते हैं कि मऊरानीपुर को जिला बनाओ, मऊरानीपुर 5 किलोमीटर की हद पर मध्य प्रदेश लगा है। दूसरी बात एक और है आपको बताएं कि जैसे अगर टहरोली तहसील का लास्ट का गांव अगर आप ले लेंगे पिपरा के आगे, अगर जैसे अपन खिड़िया ये है खलार मलार, अगर इन गांव को लेंगे तो लगभग इसकी दूरी 80 से 85 किलोमीटर पड़ेगी, जबकि उन लोगों को झांसी की दूरी 60 किलोमीटर पड़ती है। तो अगर नए जिले की स्थापना होगी और फिर आदमी को दूरी ज़्यादा तय करना पड़ेगी तो उससे उस आदमी का क्या विकास होगा? और आने जाने के टहरोली में साधन भी अच्छे हैं, जमीन भी यहाँ पर्याप्त है कि टहरोली की तहसील में 3 पंचायतें तो लगी भई हैं, टहरोली किला, टहरोली खास और बमनुआ,
चंदवारी जैसे इस प्रकार से कम से कम 15-20 गांव पंचायत नजदीक है, तो जमीन भी शासन के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे जिला बनाने के लिए जैसे जमीन चाहिए तो जमीन पर्याप्त है, सरकारी जमीन पड़ी है, उसका उपयोग भी हो जाएगा। जो दमंग लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं वो कब्जा भी हट जाएंगे और जमीन सुरक्षित हो जाएगी और जिला के नाम पर अपने क्षेत्र का विकास हो जाएगा। दूसरी बात, विकास की श्रेणी में भी आज तहरौली सब में पिछड़ा है, तो जब जिला बन जाएगा तो यहाँ इस क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा। जैसे पारीछा बांध है, पारीछा बांध से 200 किलोमीटर दूर तक नहर गई है और तहरौली तहसील वासियों के लिए 40 से 45 किलोमीटर पूरी रेंज है। तहरौली की तो 20 किलोमीटर दूरी है, इसके बाद ही पानी यहाँ नहीं मिल पा रहा है बांध का, और 200 किलोमीटर नहर गई है उससे। तो इस प्रकार दिया तरह अंधेरा है। कोई शासन, कोई भी अधिकारी इस प्रकार की अपने ऊपर जो सरकारें बैठी हैं उनको इस प्रकार से नहीं बताना चाहती कि जिससे क्षेत्र का विकास हो जाए। भाई, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है, फिर विकास हो या ना हो वो उसका काम है। जैसे हमारे जितने विधायक हैं, हम तो कहेंगे विधायक सांसद, कुछ लोग अपनी बात इस बात को नहीं रखते हैं कि हमारे पारीछा बांध से पूरा जिला जालौन आधा हमीरपुर सिंचित है और तहसील मतलब जिला झांसी के कई गांव ऐसे हैं कि जो असिंचित पड़े हैं। अगर शासन चाहे तो ये मतलब एक सप्ताह में पानी आ सकता है, एक सप्ताह में सारी बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में तहरौली तहसील की सब में कम जमीन सिंचित है। अगर नहर आ सकती है यहाँ पे, कई काम हो सकते हैं, जैसे विकास खंड के लिए यहाँ जाकर जमीन पर है आपके। तो इस प्रकार तहसील तहरौली का को जिला बनाने से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का तीनों तहसीलों का विकास होगा, एक तहसील का विकास नहीं होगा, तीनों तहसीलों का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। महाराज जी आप भी बताइए, तहरौली को जिला बनाने के लिए बनना चाहिए, बनना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल मध्यस्थ में। अच्छा अच्छा, घर उठारा आप लेते हैं तो लास्ट है, एक किलोमीटर आगे हमीरपुर लग जाता है। हम मऊरानीपुर लेते हैं तो 5 किलोमीटर मध्य प्रदेश लग जाता है, और ये क्षेत्र ऐसा है जो 50-60 किलोमीटर के मध्यस्थ में है, मेन बिंदु माना गया, मेन बिंदु माना गया है। लिहाजा यहाँ किला बनना चाहिए, जिला जो है आवश्यक। बहुत बहुत, और चाचा जी आप भी कुछ बताएंगे बोलेंगे? तहरौली जिला ही बनाना चाहिए सर। अच्छा, आपकी भी संतुष्टि है? तहरौली जिला ही बनाए। चाचा जी आप भी बताइए, तहरौली को जिला बनाओ, बनाना है। तीन विधानसभा है, दो लोकसभा है, मध्यस्थ में है। अच्छा, खनिज विभाग यहाँ पर ज्यादा है, मऊ मध्य प्रदेश के किनारे है, गरौठा जमीन पर किनारे है। अच्छा, कंटरौली जिला नहीं बनता है तो हम आत्माधाय करेंगे। बहुत बहुत, तो जी शासन तक भेजी जाएगी आपकी जो खबर शासन को, और इसके बाद जिला बनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो, तहरौली को जिला बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद चाचा जी। हमारे प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, पता जो निराहार रह करके 3 दिन के अनशन पर डटे हुए हैं, इनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको स्वस्थ रखें और जिला बनाने में इनको कामयाब बनाएं। हम यहाँ जिला। अच्छा अच्छा ठीक, जय श्री।